ओके, तो हम आप बात कर रहे थे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो दो डायग्राम लेते हैं हम लोग. एक ऑब्जेक्ट जो है कैसे भी मूव करके ये इस पॉइंट पर आता है. हमने आपने इसे ए ले लिया और इस पॉइंट को ऐसा बी मान लिया जो है. तो हमने बीच में कोई से सी डी ई और यहाँ पर ऐसा बताया जो है. तो यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, इस फ्रॉम फिगर ए दो डायग्राम बनाता हूँ मैं. ये है फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड. डायग्राम सेकंड में ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ आ जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर. हम इसके दो सिचुएशन की स्टडी करने जा रहे हैं. ये है डायग्राम फर्स्ट और ये है फिगर सेकंड. तो फिगर वन एंड टू से क्लियर है कि या तो ऑब्जेक्ट कैसा ऐसा एक कर्व मोशन करते हुए किसी पॉइंट पर आता है. तो यहाँ दोनों को देखते हुए अगर मैं इन दोनों पार्ट में डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या आएंगे जो है इसमें. अगर ये फर्स्ट पार्टिकल में डिस्टेंस की बात करूँ तो ए सी डी ई बी डिस्टेंस. बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो शॉर्टकट लेंथ कवर्ड बाई पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इन अ फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी. डिस्प्लेसमेंट इज वैक्टर ए बी. तो यहाँ से देयर फोर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए सी डी ई बी. बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी. मतलब ए बी मतलब मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी आ गया. और इस डायग्राम सेकेंड से ये क्लियर है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करूं, इन दोनों को अभी कंपेयर करूं तो हमें मिलेगा कि यहां से फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट. क्या क्लियर हो गया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है हमें, ये हमारे आपके लिए इक्वेशन नंबर वन हो गया. अब डायग्राम सेकंड की स्टडी करते हैं. यहाँ डिस्टेंस भी उतनी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए. तो जब ये डिस्टेंस भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू ये भी क्या आया, ए बी. तो यह आप दोबारा लिखेंगे कि फ्रॉम अबव हेंस, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहां से आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम सेकेंड आपको पता चल गया कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट. ये आपके लिए हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दूं तो एक मतलब कंप्लीट रिलेशन आ जाएगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिल गया, ग्रेट रिलेशन क्या हो गया, डिस्टेंस
डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको ये रिलेशन मिल गया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यही आप फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेशन आ गया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड मीन्स उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप समझे, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा, अदरवाइज क्या होगा, इक्वल होगा, बट डिस्टेंस नेवर बी लेस देन द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आप देखिए, अगर ये रिलेशन आप समझ रहे हैं तो फिर आप आगे और अच्छे से क्लियर कर जाएंगे जो है, कि कई तरह के आप एग्जांपल ले लीजिए जो है, कभी कभी आपको आता है, आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी बेस पे आगे चलता रहेगा जो है। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, थोड़ा सा आपका बेसिक अच्छा होगा तो आगे बहुत अच्छे से आप क्लियर कर जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते रहिए। योर नेक्स्ट टॉपिक इज अभी हम आप थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कस कर ही लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे कुछ इस तरह से चला, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए, यहाँ पॉइंट है बी, ये सी, और यहाँ पर है ये डी। तो ए से मान लेते हैं बी पर आया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक इज आर। तो अब बिल्कुल क्लियर है कि डिस्टेंस तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ के अकॉर्डिंग ये ए से बी पे गया, लेकिन ए से बी क्या है, कर्व है। अब हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr क्या होता है, इसका टोटल कितना होता है, टोटल अगर ये टोटल वन रिवोल्यूशन करता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो क्या हो जाता है, ये 2πr। लेकिन इसने कितनी चली, उसका 1/4, ये फोर पार्ट है, 1/4 मतलब 2πr इज डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया, πr/2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, πr/2। ये सोल्यूशन बना इसका कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी जाने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी डिस्टेंस हुआ, वो हो गया πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमें आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, अगर ये हम सेंटर को पॉइंट ओ ले लें, तो ए से बी द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी। तो पार्टिकल कैसे गया, ए से बी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, और ये आ जाएगा ए बी। अब अगर हमने इसका मॉड ले लिया, अगर हम इसको ए बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर।
तो OA भी R है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर, और AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2R स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा R रूट 2। तो ये हुई इसकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया जो है R रूट 2, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस कितनी आई, पाई R बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ R रूट 2। अब एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अलग एंगल से देखते हैं कि अगर पार्टिकल कैसे चले कि सर्कुलर मोशन ही कर रहा हो, बट अब की बार वो ए से बी पे था, बी से कहाँ आ जाए, सी पर आ जाए, कहाँ आ गया वो सी पर, पार्टिकल यहाँ से चलकर डायरेक्ट अभी यहाँ पहुँच गया। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, सिंपल अभी आपके लिए क्लियर हो गया एक क्वेश्चन से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये है ए बी सी और ये पॉइंट, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये आर, तो बस डिस्टेंस हमें टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई 2R, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल टू फाइनल ये भी कितनी हो गई 2R, कितनी हो गई 2R हो गई। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब अगर यही D पर आ जाए, ठीक है, अगर यही कहाँ आ जाए, D पर आ जाए, A यहाँ पहुँच जाए पार्टिकल, फिर डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट, इस केस में, C वाले केस में जब C पर पहुँचेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी ना यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा 2πR/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया पाई आर, अभी हम C के लिए, फॉर पॉइंट C की बात कर रहे हैं, तो C पर आते ही क्या होगा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2R। अभी फॉर पॉइंट D की बात करें, तो D जैसे ही ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, रीच एट पॉइंट डी, रीच डेट पॉइंट डी, तो डी पर पहुंचते ही आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये टोटल कितना होता है 2πR, ये 3/4 आ गया, तो 2πR इज मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मीन्स 2πR तो टोटल हो गई, लेकिन कितने, उसकी कितने पोर्शन हुए, 4 पोर्शन, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो यहाँ कितने चले, 3 पोर्शन, 3 पार्ट, 1/4 1/4 1/4 मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो ये कितने हो गए 3πR/2, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू बिल्कुल सिंपल, यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जैसे कि आपने यहाँ निकाला था वही कैलकुलेशन फिर से अप्लाई हो जाएगी, और इस बार भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू R रूट 2, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका आंसर और यहाँ ये आंसर, ओके। तो ये है, आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये भी, और यहाँ एक पोर्शन चला था तो 2πR इज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो ये आ गया πR/2, ओके। तो ये तो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम रहे जिससे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर पा रहे हैं, अलग अलग उसे समझ पा रहे हैं जो है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये आपका कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात आपको बिल्कुल पता है कि ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर। यहाँ पॉइंट ए बी और ये वाला क्या है सी। ओके, तो जैसा कि आपकी जानकारी है, आप क्या समझते हो कि अगर पार्टिकल पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करे, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच एट बी, और दोबारा फिर बी से पहुंचे कहां पर सी, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एट पॉइंट सी, सी पर आ गया, तो डिस्टेंस यहां पर कितनी होगी सोचिए। ए से चला, फिर बी पर पहुंचा, फिर बी से चला और ये सी पर पहुंचा, तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सिंपल, ए बी प्लस बी सी, हमें तो टोटल पाथ लेंथ लेनी है, क्या आ गया ए बी प्लस बी सी, ए बी कितनी 3 और ये कितना 5, कितना आ गया, अगर ये सभी मीटर में है और आसान हो गया, कितने हो गए 8 मीटर। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए, तो आपके लिए आसान हो गया, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल इज सी, तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 मीटर इज योर इनिशियल से फाइनल, आपको देखना। तो ये तो रहा आपके लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द मीन ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देखें यहाँ से, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम थे जिसने आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर करा दिया। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये एक वेक्टर होता है और अगर हम उसे वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो हमें वहाँ डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और अगर वो वहीं से उसी पोजीशन से चल के फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस का फंडा बिल्कुल क्लियर है, आपने देखा कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर रह गया, कोई एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे रह गया, फिर हमने 10 मिनट बाद आपसे पूछा कि इसकी इसने कितनी डिस्टेंस चली, तो आप बोलोगे जीरो, तो ये जीरो हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं रेस्ट पे ही रह गया तो जीरो हो गया, बट नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी, ये हर हाल में क्या होगी, केवल और केवल पॉजिटिव होगी जो है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता है, रेस्ट पे ही रह गया और टाइम 10 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, जो भी टाइम के बाद आपने देखा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, सच टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल, तो आप बोलेंगे कि तो रेस्ट पे ही रह गया तो इसलिए इसका डिस्टेंस जीरो हो गया। बट अगर उसने चला तो कोई ना कोई तो लेंथ उसने ट्रेवल की, अगर उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर्ड कर ली, डिस्टेंस तक मूव कर गया, तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो अगर वो डायरेक्शन पे, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि अगर हमारी जो है, हमने जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिया है
जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन की वो राइट था या लेफ्ट था। अगर राइट होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट गया तो निगेटिव, क्योंकि हम इसे डायरेक्शन के साथ बताए। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे न्यूमेरिकल या सिचुएशन आपके सामने आएंगी धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा और अच्छे से कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और अच्छे बताए जाएंगे जिसमें आपको मैं ये क्लियर कराऊँगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और भी क्या डिफरेंस है। जब डायरेक्शन आ जाएंगे तब ओके तो आप देखें जो है, जैसा कि आपने देखा कि पोजीशन, एक्चुअली हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हमें यहाँ पर वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मोशन ही क्या है, स्ट्रेट लाइन वन वे है। तो जब एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टू डायमेंशन है हाँ तो वेक्टर में देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स में जा रहा है या वाई में जा रहा है या उसकी लोकेशन या पॉइंट क्या है, जो है कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसलिए यहाँ पर हम उसे वेक्टर न लगाते हुए सिर्फ ये समझते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो जैसे मैं बोलूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कहीं से आया, कहीं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है वो पॉइंट से, बट हमारा आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने आपने क्या ऑब्जर्व किया। जैसा कि आप फिजिक्स को समझते हैं जो है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, इन फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑब्जर्व मेजर एंड डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमेनॉन विच इज़ रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए सी बी हमारा ऑब्जर्वेशन, इन विच वी ऑब्जर्व मेजर एंड डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमेनॉन विच इज़ रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं से आया और फिर कहीं चला गया, कहीं और गया, ना ही हमारा मतलब इससे है ना ही इससे, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया। हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंड एट पॉइंट बी। तो हमारे लिए ए और बी सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हमने देखा कि ये ओरिजिन से यहाँ तक आने में इसने एक एक्स नॉट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की या डिस्टेंस ट्रेवल की, और पॉइंट ओ से बी तक आने में एक्स चली। तो जो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्विंग डिस्टेंस कितनी हुई, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, या अगर हम आप इसे क्या ले लें, एक्स वन ले लें और इस वाले को एक्स टू बता दें, तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। अब अगर हम कहें कि जब ये यहाँ पहुँचा तो टाइम क्या हो रहा था t1, और b पे आया तो टाइम क्या हो रहा था t2, ओके। तो t1 से मतलब कि o से a तक आने का टाइम t1, और o से b तक जाने का टाइम क्या t2। तो हमारे ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन x2 माइनस x1, यहाँ से a से b जाने में टाइम क्या लगा, t2 माइनस t1, मीन्स इसे ही हम डेल्टा टी लिखेंगे और इसे ही डेल्टा एक्स, आगे चलकर हम इसे यूज करेंगे जो है। फिलहाल अभी एक्स टू माइनस एक्स वन और टी टू माइनस टी वन से देखते हैं कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज टी टू माइनस टी वन एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, ओके। तो पहले तो हम बात समझते हैं रेस्ट की। देखिए रेस्ट क्या है, जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट का की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा स्टार्ट होता था ए से, और मान लीजिए कि हमने कुछ तो भी डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व किया, बट हमने जैसे ही एक ए पर ऑब्जेक्ट आया और हमने देखा, बट वो ए पर आकर रुक गया, और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से ही स्टार्ट होता, ए पर आकर वो क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, और हमने डेल्टा टी टाइम बाद ये पता करना चाहा कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो पता चला वो तो रेस्ट पर आ गया था उस पॉइंट पर, तो उसने तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, तो तब हम आप कहेंगे कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। और जनरली ऐसा भी हम बोल सकते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट था जो रेस्ट पर था, 10 मिनट बाद भी वो रेस्ट पर रहा, तो हम आप बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। तो इसका जो पोजिशन टाइम ग्राफ है, एक्चुअली हम आप ये वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सब कैसे उसकी पोजीशन से निकालें, क्योंकि ये वन वे है, वन डायमेंशनल है। तो अगर हम इसे पोजीशन एक्सिस बोलें और इसे टाइम एक्सिस बोलें, तो ऑब्जेक्ट जिस
पॉइंट पर था उसी पॉइंट पे रह गया, बट टाइम बढ़ता गया। देखो पोजीशन क्या है इसकी, ए, ए पोजीशन है, और फिर यहाँ कहीं बी होता, जब ये जाता तो मूव करता तो बी आता, लेकिन ए पर मिला हमने देखा और ए पर ही रह गया, तो ये क्या हो गया, ये बताता है रेस्ट। ये क्या एक्सप्लेन करता है, दिस पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सप्लेन अबाउट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट टाइम इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। लगातार टाइम बढ़ता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आए और किसी पॉइंट पर के बाद टाइम बढ़ रहा हो बट डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ना आए, पोजीशन में कोई चेंज ना आए, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में हम आप ये है पोजीशन ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में ये सब ग्राफ है, जिसका फर्स्ट ग्राफ था रेस्ट का, सेकेंड ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे कि ओ से पॉइंट ए पर हमने जैसे ही देखा उसे, अब जब हमने देखा तो उस समय इसमें कुछ वेलोसिटी थी, चलिए हम उस वेलोसिटी को हमने मान लिया कि वो वेलोसिटी क्या है, यू है। फिर ए से चलते 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 वो कहाँ पहुँचा, बी पर, और हमने हर पॉइंट पर इसका जब ऑब्जर्वेशन किया तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या रही, यू ही रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। हमारा ऑब्जर्विंग दो ही पॉइंट है, ए और बी, तो हमने यहाँ देखा कि ए पर भी यू, फाइनल बी पर भी यू, तो ये तो बात हमें क्लियर हो गई, मीन्स पोजिशन एक्स वन पर भी यू एंड फाइनल पोजिशन एक्स टू पर भी क्या मिला, यू ही मिला। तो हमने ये पोजीशन और ये टाइम ग्राफ बना ली, मतलब एक्स एक्सिस को हमने टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस को पोजीशन एक्सिस अपोज कर लिया। तो हमें यहाँ से देखने को मिला कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है ए से और पहुँचता है कहाँ पर, बी पर, लेकिन इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे मोशन को हम आप जो है यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज आवर पोजीशन या कवर्ड डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज आवर पोजीशन या व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, ये है यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब कि अगर मैं इंटरवल बना दूं कहीं से भी, तो इतने इंटरवल में इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, मतलब इस इंटरवल में इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक उतने ही इंटरवल में ये फिर से उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब, अगर 5-5 मिनट का इंटरवल बना दिया जाए, 5 मिनट, तो इस 5 मिनट में अगर इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो नेक्स्ट 5 मिनट में ये जो नेक्स्ट स्लॉट होगा 5 मिनट वाला, अब यहाँ से यहाँ जो स्टार्ट हुआ ये भी 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15, तो ये 10, ये 20, ये 30, ऐसा हम मान लेते हैं मीटर में गया ये सेकेंड। तो इस 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, तो अगले भी 5 सेकेंड में देखिए कितना चला, 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 में फिर से 10। तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हो गई, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड
इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ इसमें रेस्ट को